स्टूडेंट्स, आज हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जानेंगे। आज हम जानेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में अलग अलग प्रकार के सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा होता है, जैसे कि अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा होता है, नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा होता है, और साथ ही साथ इंट्रोगेटिव, नेगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो स्टार्ट करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस से। सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब रहेगा है या फिर है, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस है आर है प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ यह भी जानना जरूरी है कि हम कहाँ पे हैज का यूज करेंगे और कहाँ पे हैव का। तो ये सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है, जो मैंने इस टेबल में आपको दिखाया है। सब्जेक्ट अगर ही हुआ, सी हुआ, इट हुआ या फिर कोई एक नाम, ही सी इट एंड ए नेम, अगर सब्जेक्ट है तो हम इसके साथ हैज का यूज करते हैं। और रिमेनिंग कोई भी सब्जेक्ट हो, जैसे आई, वी, दे या कुछ भी, तो हम हैव का यूज करते हैं। तो कुछ एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल उठा लिया दे, देखो दे एक सब्जेक्ट हो गया, तो दे के साथ जो हेल्पिंग वर्ब आएगा वो रहेगा है। कोई भी वर्ब का थर्ड फॉर्म लिख लेते हैं, आना जाना, खाना पीना, कुछ भी। तो रीड का थर्ड फॉर्म रीड ही होता है, दे है रीड। अब इसका कोई भी ऑब्जेक्ट लिखा सकता है, स्टोरी या न्यूज़पेपर या नॉवेल या कुछ भी, दे हैव रीड स्टोरी। अब अगर हम सब्जेक्ट को रिप्लेस कर दें, कोई और सब्जेक्ट लाएं, जैसे ही सी, तो ही होगा तो हेल्पिंग वर्ब हैव के प्लेस पे है जा जाएगा। तो ही हैज रीड स्टोरी। अब ही के जगह अगर आई आएगा तो फिर हेल्पिंग वर्ब हैव हो जाएगा, वी आएगा तो हेल्पिंग वर्ब फिर हैव हो जाएगा। तो है या हैव का यूज सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है और किस तरह से करता है इस टेबल में दिखाया गया है। और वर्ब का थर्ड फॉर्म भी हमेशा रहेगा। अब आते हैं नेगेटिव सेंटेंस में। तो हेल्पिंग वर्ब हैज हैव के बाद नॉट आ जाता है। सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हैज या फिर हैव में से कोई एक रहेगा, उसके बाद नॉट, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये हुआ हमारा नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। जो ऊपर के दो सेंटेंस हैं उसको अगर हम नेगेटिव सेंटेंस में लिखें तो सेंटेंस बनेगा दे हैव नॉट रीड बुक, दे हैव नॉट रीड बुक, दे हैव नॉट रीड बुक। और अगर नेक्स्ट सेंटेंस कौन बनाए तो इसका होगा He has not read book। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि affirmative सेंटेंस में not आ जा रहा है helping verb has या have के बाद verb के थर्ड फॉर्म के पहले। अब हम interrogative सेंटेंस में आएंगे। इसमें हमेशा की तरह दो स्ट्रक्चर होगा। एक स्ट्रक्चर इसमें स्टार्टिंग होती है हेल्पिंग वर्ब से, तो पहला स्ट्रक्चर लिखते हैं हैज या है में से कोई एक, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। और
आखिरी में होगा इंट्रोगेटिव साइन। एग्जांपल में अफर्मेटिव सेंटेंस को ही हम इंट्रोगेटिव बदलेंगे। कोई एक सेंटेंस उठाते हैं, दे हैव रीड स्टोरी को इंट्रोगेटिव सेंटेंस में लिखा जाए तो लिखा जाएगा हैव दे रीड स्टोरी, हैव दे रीड स्टोरी। अब सेकेंड स्ट्रक्चर पे आते हैं इंट्रोगेटिव के। इंट्रोगेटिव नेगेटिव के सेकेंड स्ट्रक्चर पे आएंगे तो स्टार्टिंग करेंगे इंट्रोगेटिव वर्ड से, उसके बाद आएगा हैज या हैव में से कोई एक, प्लस सब्जेक्ट, प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, प्लस ऑब्जेक्ट, फिर इंट्रोगेटिव साइन। Have they read story? तो कोई भी suitable interrogative word यहाँ पे लिखा जा सकता है, जैसे when have they read story या where have they read story या why have they read story या how have they read story, कोई भी जो meaning दे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं when they have read story, when they have read story। जो आखिरी स्ट्रक्चर आता है सेंटेंस का वह है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में कुछ खास चेंज नहीं करने होते हैं। जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है उसमें हमको सिर्फ नॉट इंसर्ट करना है, और कहाँ पे करना है तो सब्जेक्ट के बाद और के थर्ड फॉर्म के पहले, दोनों ही स्ट्रक्चर में। तो जो स्ट्रक्चर बनेगा पहला वाला वो होगा हैज आर हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। और एग्जाम्पल में अगर इसको चेंज करना हो तो नॉट दे के बाद आएगा और इट के पहले, और सेंटेंस होगा हैव दे नॉट रीड स्टोरी। सेम रूल हमको सेकेंड स्ट्रक्चर में भी फॉलो करना है, सब्जेक्ट और के थर्ड फॉर्म के बीच नॉट आएगा स्ट्रक्चर में भी और एग्जाम्पल में भी, जैसे व्हेन दे हैव नॉट रीड स्टोरी। तो इस तरह से हमने परफेक्ट टेंस को जाना और इसमें चार प्रकार के सेंटेंस को देखा।